मध्य प्रदेश के जिले में जहां पर शमशाबाद थाना क्षेत्र के पदस्थ आरक्षक शिवानी मिश्रा यहां पर बीते सप्ताह कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उपचार के बाद दूसरी बार सैंपल उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जहां पर अस्पताल में छुट्टी दी गई, जिसके साथ ही शमशाबाद वापस लौटने के साथ एटीआई श्री अजय दुबे सहित पुलिस टीमों ने आरक्षक शिवानी मिश्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया और ताली बजाकर खुशी जाहिर की। कोरोना जैसी महामारी में जीत कर लौटी शिवानी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की आवश्यकता है, जहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, मास्क लगाएं, बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। टाइम लेकिन न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सैंपल करवाया था यहाँ पे जिला अस्पताल के द्वारा, मुझे पॉजिटिव बताया गया था 24 तारीख को, तो मैं फौरन मतलब बिना देरी किए विदिशा अस्पताल रेफर हो गई थी। उसके बाद पूरा थाने से सुबह शाम कॉल्स आते थे, तबीयत कैसी है, टीआई साहब ने बहुत सपोर्ट किया और आज मेरा 10 दिन के बाद वहाँ से मतलब मुझे छुट्टी मिली है। मैंने यहाँ पे आके बताया जिला अस्पताल में अपना फिर से सैंपल दिया तो मैं नेगेटिव आई हूँ। फिर यहाँ पे टीआई सर के द्वारा मेरा सम्मान किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब परिवार की कमी महसूस नहीं हुई, तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मतलब मैंने कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी मेरे सामने थे और उन्होंने मतलब मुझे सम्मानित करा, ऐसा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा आप हॉस्पिटल में थी, वहाँ से लड़कर आई है कोरोना जैसी महामारी से जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करते रहें और जितना हम एक दूसरों से दूरी बना के रखेंगे उतना ही हम कोरोना से बचे रहेंगे। मास्क बहुत ही ज़रूरी है, ये मैंने इस बीमारी में जान लिया कि मास्क अपने मतलब फेस से ना ही हटाएं तो आप बेहतर होगा, और हर 10-15 मिनट के बाद अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें बस। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन